वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं। कोई एक्स आ रहे हैं आपके लाइफ में वापस, या फिर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे बेसिकली पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके लव लाइफ में आ रहे हैं या फिर कोई ब्रांड न्यू इंसान है। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा अगर आपके रिप्लाई में कमेंट सेक्शन में कोई दूसरा नंबर आपको मिल रहा है तो ऐसे नंबर्स को इग्नोर करिए। ऐसे नंबर्स जो है वो मेरे नंबर्स नहीं है, वो फेक लोगों के नंबर्स हैं, उस फ्रॉडस्टर्स के नंबर्स हैं। तो ऐसे स्पैमर्स से बचे, ठीक है। ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत पहले हो रहा था और अभी भी शायद मे भी हो सकता है। सो यू नो वो फेक अकाउंट्स बनाकर आप नंबर आपके कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को आपको इग्नोर करना है। मेरे सारे जेन्युइन नंबर्स, मेरे सारे जेन्युइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे, ओके। तो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकेंड कार्ड चूज़ करना है। तो यह है ए टू एम, ये है एन टू जेड। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं, कोई पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको मेरा नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have five of wands, eight of pentacles, the moon, two of wands, five of cups, six of cups, so यहाँ पर जो साइंस जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस फायर साइन एरीज लीगो सजिटेरियस अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कुछ साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जेमिनाई की एनर्जीज भी यहाँ पर है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आप में से, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल पर्सन है, ठीक है। एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जिन्होंने अपने लाइफ में यू नो दोस्त बनाने के लिए या फैमिली के साथ रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए या फिर यू नो सोसाइटी में एक जगह बनाने के लिए इस पर्सन ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, अपने आप को प्रूफ किया है हर एक बार, ठीक है। लोगों के लिए किया है इन्होंने ताकि लोग इन्हें समझे, लोग इन्हें अपनाए। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है और प्यार के मामलों में हमेशा ये कच्चे रहे हैं, यानी कि प्यार इनको कभी अच्छे तरीके से मिला नहीं है। जो केयर, जो सपोर्ट, जो एक्सेप्टेंस ये एक्सपेक्ट करते हैं वो इन्हें कभी मिला नहीं है अपने लव लाइफ से, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ये इंसान एकदम न्यू इंसान भी हो सकते हैं।
ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पास से कोई आपके लाइफ में री एंटर करने वाला है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है एकदम नए इंसान है, लेकिन इनका पास्ट बहुत ज़्यादा यू नो दुखदाई रहा है, स्ट्रगल वाला रहा है। एंड यू नो वो आएंगे आपके पास एक्सपेक्टेशंस के साथ कि आप उनकी केयर करोगे, आप उन्हें समझोगे, आप उन्हें छोड़ कर नहीं जाओगे, आप उनके साथ लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग पर्सन नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जॉब या बिजनेस ये डेफिनेटली करते हैं, ठीक है, आप अर्निंग्स ये डेफिनेटली करते हैं, ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, बट ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि करियर के स्टेबिलिटी के पाथ पर हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वाली एनर्जी नहीं आ रही है, अगर स्टूडेंट भी होंगे तो भी मुझे लगता है कि ये अर्निंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मतलब जो चीज़ इनको निभाना है उस चीज़ को ये पूरा निभाएंगे, भले उसमें उनका मन हो ना हो, ठीक है, कंप्लीट ज़रूर करेंगे उस चीज़ को। साथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू नो इनको आप जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे तुरंत, इनके यू नो दिल में भावनाओं के सागर हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत कुछ है जो इस पर्सन की आपको यू नो ऐसा लगेगा कि क्या बात है इसमें, मतलब आप हमेशा एक क्यूरोसिटी में रहोगे कि आपको इन्हें जानना है या फिर कुछ तो अलग बात है इस इंसान में, ठीक है, जो कि हमें बार बार उनके तरफ खींच रहा है या इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, उनके प्रति हम वीक हो रहे हैं, उनके तरफ हम अटैच होते जा रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इतने ज़्यादा इमोशनल होंगे, इतना ज़्यादा प्यार देंगे, आपको अपनी मदर की फीलिंग आएगी, मतलब इस पर्सन के अंदर मदर क्वालिटी होंगी, मतलब कि जैसे ममता जो हम कहते हैं, ठीक है, ममता ममता जैसा प्यार इनका रहेगा, ठीक है, जहाँ पर ये इंसान आपकी केयर करना, और केयर मतलब ऐसा नहीं कि दिखावे वाला केयर की रिलेशनशिप में आ गए या आपको पाना है इस वजह से दिखावा कर रही हूँ, वो जेन्युइन केयर होगा इनका कि आपने खाया या नहीं, आप घर पहुँचे या नहीं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो आप चेकअप करवाओ, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि एक ममता, एक स्नेह इनके अंदर रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से आपको प्यार करने वाले हैं उस तरीके का प्यार आपने कभी मतलब फील नहीं किया होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा अपने आँखों पर और अपने जीवन में भी कि ये सच्चाई है या नहीं, और अगर है तो कहीं ये पर्सन प्रिटेंड या फिर नाटक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान मिस्टीरियस है, लेकिन आपको इतना प्यार करेंगे कि आपको अपनी मॉम की याद आएगी, या फिर आपको फील होगा कि ये इंसान सच में आपको बहुत ज़्यादा यू नो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर सच में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है, मतलब पास्ट पिछले जन्म में भी आप दोनों साथ थे और इस लाइफ टाइम में भी हो, एंड कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए ये न्यू इंसान है लेकिन आपका पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए सही में आप कि ये पास्ट के इंसान हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या लवर, एक्स, कोई भी क्रश, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत डिफरेंट होंगे, इनकी मेंटालिटी दूर दूर तक बहुत अलग होगी, आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं होगी इनकी मेंटालिटी, ना रहन सहन कुछ भी, ठीक है। मैं एक बात बता दूँ, ये इंसान बहुत अलग है आपसे, ठीक है, तो जैसा माइंड सेट आप रखते हो, जैसे सोच आपकी है, जैसे ज़िंदगी को जीना आप चाहते हैं, उसका टोटली अपोजिट इनका रहेगा, क्योंकि इनका मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये अनऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अलग विचारों वाले हैं, तो इनके मेंटालिटी को अगर आप मैच करवा के कंपैटिबल होना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर प्यार को इम्पोर्टेंस देकर चीज़ों को ठीक रखोगे तो प्यार के अकॉर्डिंगली सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप ट्राई करोगे कि वो आपकी बात मान ले या आप उनकी सुन लो, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत होंगे, बैकग्राउंड के, कल्चर के, रिलीजन के, रेस के भी हो सकते हैं, ये यू नो फॉरेनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, तो क्योंकि आप दोनों की अपब्रिंगिंग पूरी तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हुई है, तो आप दोनों की बहुत सारी चीज़ें एकदम अलग होगी, न्यू होगी आप दोनों के लिए, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ये जो डिफरेंसेस है उसको एक्सप्लोर करोगे और बहुत कुछ नया सीखोगे भी एक दूसरे से, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान वर्ल्ड वाइड नोन हो सकता है, यानी कि फेमस पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इनके पास पावर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और अपनी रियलिटी को छुपाते हैं, तो किस वजह से छुपाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान फेमस हो सकते हैं, बहुत लोग इन्हें जानते हैं, बहुत बड़े कनेक्शन हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान यू नो शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये इंसान हमेशा अपनी रियलिटी को छुपाते हैं और हमेशा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल बीइंग की तरह, सिंपल इंसान की तरह कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
दिखावा इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो है दिल से है और एल्स कुछ है ही नहीं। इस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और आप दोनों का दिल से दिल का रिश्ता जुड़ने वाला है, ये एनर्जी दिख रही है। ये हमेशा चाहेंगे कि आपको गिफ्ट दें या आपको खरीद कर दें जो आपके पास नहीं है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, आपको स्पेशल फील करवाएं। इनकी लव लैंग्वेज मुझे दिख रही है गिफ्ट करके, मतलब फॉर एग्जांपल ये कहीं बाहर गए, इन्हें कुछ अच्छा चीज़ दिखा, ये तुरंत आपके लिए वो चीज़ खरीद लेंगे आपसे बिना पूछे या फिर पूछ कर, ठीक है। तो इनके लिए ऐसा नहीं है कि आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कुछ है तभी आपको गिफ्ट देंगे या सोचेंगे कि मुझे देना चाहिए या नहीं चाहिए। इनकी लव लैंग्वेज है यू नो टेंजिबल गिफ्ट देकर शो करना, तो वो उनकी हैबिट है। जो हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको कभी कभार बुरी लगे, लेकिन इनकी हैबिट है कि आपके बिल पे करेंगे या आपके लिए गिफ्ट्स खरीदेंगे, अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ आपको खरीद कर देंगे, ठीक है। और ये इनके दिल से आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पैसों का रॉब झाड़ने के लिए करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये दिल से करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो एक मदर चाइल्ड डायनामिक भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, जहाँ पर आप यू नो उनके बच्चे की तरह हो गए और वो मॉम की तरह आपको प्यार करेंगे, संभालेंगी, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या एनर्जेटिकली सब बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। स्पॉन्टेनिटी, तो देखिए मुझे लग रहा है कि ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नयापन होने वाला है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नयापन को ला रहे हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जो प्यार आपको नहीं मिला वो मिला, और साथ में नई चीज़ों की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो, न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ओपन हो। इनके आने से आप देखोगे कि आपके शुभ काम हो रहे हैं, ठीक है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है, लोग आपसे और भी ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आपके जीने का तरीका बहुत अच्छा हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है, एंथुसियास्टिक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये आंसर बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे, एंड इनके आने से ही आपकी ज़िंदगी में यू नो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, रंगों की। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है क्लियरली, और यहाँ पर है सेक्सुअल यूनियन। सो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक है, सोल से सोल का रिश्ता हो सकता है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगा, यू नो फिज़िकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा होगा, प्यार तो होगा ही, लेकिन फिज़िकल अट्रैक्शन जो होगा वो यू नो सीरियसनेस एंड कमिटमेंट के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस अट्रैक्शन है कुछ भी हो गया। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कमिटमेंट रहेगा और यू नो आप दोनों की सोल एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहेगी कॉन्स्टेंट तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं और इस पर्सन के साथ सिचुएशंस आपके बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मेमोरीज आप दोनों बनाने वाले हो, ओके। तो कुछ और भी इनके कैरेक्टर्स वगैरह देख लेते हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि ये इंसान यू नो मतलब जो खाना पीना करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर सकते हैं कि यू नो एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट में रहते हैं या फिर बहुत हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, एंड यू नो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान थोड़े से मतलब यू नो इस तरीके के हैं कि ये नहीं खा सकती या ये नहीं खा सकता, यही चाहिए, मतलब खाने पीने में बहुत ज़्यादा ये खाना ये नहीं खाना, इस तरीके के इंसान है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान यू नो सडनली आएंगे आपके लाइफ में आउट ऑफ नो वेयर, आपको कोई आइडिया भी नहीं रहेगा, ना आपके दिमाग में चलेगा, ना आप इनको फर्स्ट टाइम देखकर आपके माइंड में ये चीज़ गुजरेगी भी कि इनके साथ आपका कुछ हो सकता है, या फिर यही इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। ये इंसान सिविल इंजीनियर या किसी भी तरीके के इंजीनियर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बेसिस कोई इनका बिजनेस वर्क हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेंटिस्ट्री में हो सकते हैं, ओके, पैरामेडिकल में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑफिसर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, नेवी में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी वगैरह, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ये हो सकते हैं। ये पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, शूटिंग वगैरह हो सकता है, करते हो, खेलते हो, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2।
अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाले हैं, कोई पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कार्ड को हम लोग बाद में देखेंगे, इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have five of pentacles. The Empress. Nine of wands, seven of swords. Ten of Cups, Temperance. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस हैं वो है एयर सन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, फायर सन एरीज सेजिटेरियस, अर्थ सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, एंड फायर साइन में से हमारे पास यहाँ पर सेजिटेरियस है और लियो है। ठीक है, सेजिटेरियस यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है फायर साइन में से, और फिर लियो थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो सारे साइंस ऑलमोस्ट ही हैं यहाँ पर। सो चलिए देख लेते हैं कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में बेसिकली। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनके साथ आपके कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन ज़रूर रहेंगे। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा कि कार्मिक है मतलब बुरा ही होगा। ठीक है, कार्मिक पार्टनर्स बहुत बार अच्छे भी होते हैं। कार्मिक मतलब क्या है, लोग हमेशा सोचते हैं कि कार्मिक मतलब ही कुछ यू नो डर जाते हैं, कार्मिक मतलब सोचते ही अब कुछ बुरा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कार्मिक मतलब कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, सो कार्मिक जो फ्रूट है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी निकल सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा निकल सकता है, डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ आपके कुछ कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने सबको प्यार दिया, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, तो आपके कर्म अच्छे रहे हैं प्यार के मामले में। सो इन रिटर्न आपके ये कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे ताकि जो प्यार आपको नहीं मिला आपके देने के बावजूद वो आपको मिले। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इस पर्सन के साथ भी कुछ कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ भी हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, बट कुछ कार्मिक रिलेशनशिप आपके इस पर्सन के साथ रहने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, बहुत सालों से ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, और ऐसी एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप भी इस पर्सन को ढूंढ रहे हो। तो बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। ठीक है, बहुत टाइम तपस्या करने के बाद, ढूंढने के बाद फिजिकली आप दोनों मिलने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये इस पर्सन के साथ आपकी एज गैप होने के चांसेस हैं, इस पर्सन के साथ आपकी यू नो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, पैशनेट लव आप दोनों के बीच में रहेगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होगा कि आप दोनों जल्दी शादी करो। ठीक है, या फिर आप दोनों की यू नो फर्टिलिटी, आपके फर्टिलिटी के चांसेस या फिर आपके इस पर्सन के अकॉर्डिंग टू जेंडर चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर ये जो इंसान आ रहे हैं इनके साथ आपकी बहुत जल्द शादी हो सकती है। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप जो है लॉन्ग टर्म तो चलोगे, लेकिन उसके साथ साथ घर भी बसाओगे, बच्चे भी करोगे, फैमिली क्रिएट करोगे। ठीक है, सो ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इनके लिए प्यार इनके दिल में प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए बहुत बड़ी जगह है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होंगे, एंड ये आएंगे ही आपके लाइफ में ताकि ये यू नो लाइफ में स्टेबल हो सकें, लाइफ में सेटल डाउन कर सकें। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। थोड़े से रिजर्व पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बात बहुत कम बोलते होंगे, ऑब्जर्वर ज़्यादा हैं, ज़्यादा देखते हैं, नोटिस करते हैं, बात कम करते होंगे, करते भी होंगे तो बहुत सोच समझ के बात करने वालों में से ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, और जितना ज़रूरत है उतना बात करते हैं। ठीक है, फालतू की बात है ये इंसान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और
इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी मुझे लगता है कि इनस्टेबल रहेगी, यानी कि ये पर्सन आपके लाइफ में जब एंटर करेंगे उसके बाद भी मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बार बार झगड़ा या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर यू नो ये इंसान गोल के पीछे हटने के चांसेस बहुत रहेंगे। रिजिड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब ये इंसान रिजर्व रहते हैं, इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान इनिशियल फेज में आपके साथ रिजिड रहेंगे, मतलब चाह के भी नहीं करेंगे, मन करेगा आपके साथ घूमने का नहीं घूमेंगे, मन करेगा आपके साथ बात करने का नहीं करेंगे। तो आपको लगेगा कि ये इंसान के अंदर खोट है, ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, बट ये सच्चाई नहीं है। ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये इंसान धोखे खाए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इस इंसान के कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर सही डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगा वाइज थिंकर हैं, ठीक है, सोच समझ कर काम करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत इरेस्पॉन्सिबल और यू नो कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई सेंस ऑफ केयर नहीं है इनके अंदर, बट ऐसा नहीं है। तो पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, आपका इनके साथ कुछ नहीं हो सकता और बेटर यही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो किसी और के साथ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, वैसे वैसे आप इस पर्सन की रियलिटी को जान पाओगे। ये एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन मुझे लग रहे हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को झमेला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, लोगों से गुस्सा नहीं रहते हैं, माफ़ कर देते हैं सबको, ठीक है, दिल इनका बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन दिख रहे हैं, दिल के साफ सच्चे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मन में कोई ग्रजस नहीं रखते किसी के लिए, चाहे इनको कोई कुछ भी बोल दे ये उस इंसान के लिए ग्रजस नहीं रखेंगे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा भला नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत शांत पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पर्सन नज़र आ रहे हैं, काम माइंडेड पर्सन, शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे, शांत स्वभाव के होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बात मानने वाले पर्सन होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा बात मानेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और आपको ज़्यादा कुछ यू नो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत यही है कि आपको टाइम लगेगा इस पर्सन को समझने के लिए कि ये इंसान थोड़ा सा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, बिकॉज ये इंसान थोड़े से रिजर्व रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, ज़्यादा खुल के बात करना इनको पसंद नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्व होना इनको पसंद नहीं है किसी के साथ भी पर्सनल लेवल पे। तो ये बहुत यू नो कम लोगों को ही अपने लाइफ में आने देते हैं और बहुत कम लोगों को ही शेयर करते हैं अपने रियलिटी के बारे में, लाइफ के बारे में। तो इनके फ्रेंड्स वगैरह बहुत कम होंगे, ठीक है, इनके यू नो अपने लोग बहुत कम होंगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके या और ये इंसान मुझे दिख रहा है कि यू नो केयरिंग बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा बात मानेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन है, ठीक है, मतलब आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाओगे आराम से, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ आपके आएंगे, ठीक है, और रिलेशनशिप आपकी जो है वो बनते बनते थोड़े से इश्यूज़ उसमें भी आएंगे, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली रहेंगे आप दोनों के बीच में, बहुत बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी होने के चांसेस हैं, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान लॉयल है, ये इंसान सीरियस होंगे आपके लिए और ये इंसान आपको पाने के लिए या फिर आपको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और ये इंसान देखिए मुझे ज़्यादातर एनर्जीज आ रही है कि यहाँ पर भी मुझे सेम एनर्जीज आ रही है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास्ट के पर्सन है, मतलब आप इनको जानते हो लेकिन इनके साथ चीज़ें आपकी बड़ी नहीं, हो सकता है कि आपने एक दो बार डेट किया हो या फिर बात आप दोनों कर रहे थे लेकिन फिर आप दोनों के इंटरेस्ट आप दोनों का हट गया या आप दोनों बात करना बंद कर दिया, मतलब सीरियस आप दोनों का कुछ हुआ नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है पास्ट में हो सकता है कि डेट पर गए थे या मिले थे या यू नो शादी फिक्स हुआ था आप दोनों का, लेकिन फिर आप दोनों का कुछ बना नहीं, फिर आप दोनों आप बात बंद कर दिया आप दोनों ने या रिजेक्ट कर दिया, इस ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो एकदम से ये एक्स या फिर कोई लॉन्ग टर्म पास्ट का कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिनको आप जानते थे, थोड़ा बहुत चीज़ें आगे बढ़ी थी लेकिन फिर वो अट्रैक्शन इन्फैटुएशन वैनिश हो गई थी, तो कुछ लोगों के लिए इस तरीके का पास्ट पर्सन हो सकता है, और वैसे मुझे लग रहा है पूरी तरीके से न्यू इंसान है, ठीक है। इवोल्यूशन, सो मुझे यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है कि आप दोनों रियल लवर्स होने वाले हो, तो आप दोनों के पाथ इतने इजी नहीं होगा, यूनिवर्स आप दोनों के टेस्ट ले सकते हैं बहुत बार, ठीक है, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आप दोनों को लगे कि नहीं आप दोनों को यू नो आप दोनों मतलब अलग अलग हो जाओ और अपने अपने रास्ते चुन लो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आप दोनों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, हिम्मत देगा ज़िंदगी में, यू नो ज़िंदगी को जीना सिखाएगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और इस कार्ड में देख लेते हैं फॉरगिवनेस, तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे, ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, नो मैटर आप दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे आने वाले वक्त पर कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ोगे या ना चाहोगे छोड़ना, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक एंजल की तरह होगे, एक सपोर्ट सिस्टम होगे, ठीक है, स्ट्रेंथ होगी आप दोनों एक दूसरे की, वीकनेस नहीं होगे, स्ट्रेंथ होगे, जब भी आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है।
तो चलिए कुछ और भी करेक्टर्स वगैरह हम देख लेते हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा यू नो पैट्रियाटिक हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या इन मतलब अपनी कंट्री को नो मैटर या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि माय गुडनेस मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कल्चर को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करना ये इंसान पसंद करते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान पंजाबी हो सकते हैं या फिर आप दोनों का इंटरकास्ट हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का इंटर रिलीजन भी हो सकता है, ठीक है, कल्चर आप दोनों का डिफरेंट हो सकता है, ये इंसान के और आपके बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा ईयर्स का, ओके, एंड फिटनेस फ्री के पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर यू नो इनको बॉडी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब यू नो मतलब बहुत थकावट होती है इनको, टायर्डनेस होता है, ठीक है, तो पता नहीं बट मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, यू नो बोझ उठाना पड़ता है, वेट्स उठाना पड़ता है, ठीक है, तो इस तरीके के यू नो जिम इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है, या फिर ओनर, जिम ओनर, और रियल इस्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, और क्या प्रोफेशन यहाँ पर दिख रहा है, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, ऑफिसर हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, रेस्क्यू करने के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वर्क इनका हो सकता है, ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, पहले बच्चों।